आज का प्रोजेक्शन है टाउन्स प्रोजेक्शन, जिसे हाफ एक्सियल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। या इसे हाफ एक्सियल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, या इसे फ्रंटो ऑक्सीपिटल 30 डिग्री कॉर्नल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। फ्रंटो ऑक्सीपिटल 30 डिग्री कॉर्नल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। मैंने कल आपको ऑक्सीपिटो फ्रंटल प्रोजेक्शन बताया था, जिसमें मैंने बताया था जैसे हम ऑक्सीपिटो फ्रंटल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, इसके लिए मैं आपको इनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो सब कुछ यही क्लियर कर देता हूं। ये पेशेंट सुपाइन लेटर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था फ्रंटो ऑक्सीपिटल के अंदर सभी एंगल क्रेनियल देते हैं। ये था फ्रंटो ऑक्सीपिटल, इसके बाद में ये था फ्रंटो ऑक्सीपिटल 10 डिग्री, ये था फ्रंटो ऑक्सीपिटल 15 डिग्री और ये था फ्रंटो ऑक्सीपिटल 20 डिग्री। इसी तरह से मैंने आपको ऑक्सीपिटो फ्रंटल प्रोजेक्शन भी बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को हम इस तरह से इरेक्ट पोजीशन में या प्रोन पोजीशन में ले सकते हैं, इरेक्ट पोजीशन में ले सकते हैं। पीए प्रोजेक्शन के अंदर हम पेशेंट को एडजस्ट करते हैं, एमएसपी को कैसेट के परपेंडिकुलर रखते हैं, ओम लाइन कैसेट के परपेंडिकुलर होती है। इसमें मैंने बताया था आपको ऑक्सीपिटो फ्रंटल के अंदर ये था ऑक्सीपिटो फ्रंटल, और ऑक्सीपिटो फ्रंटल में सारे एंगुलेशन हम कोडल देते हैं। तो ये क्या था, ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 डिग्री, ऑक्सीपिटो फ्रंटल 15 डिग्री और ऑक्सीपिटो फ्रंटल 20 डिग्री। और इनके आधार पे मैंने आपको बताया था कि जो पिट्रस रिज होती है वो पिट्रस रिज कहां पर होती है, आई ऑर्बिट के ऊपर स्थित होती है, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं टाउन्स प्रोजेक्शन एंड रिवर्स टाउन्स प्रोजेक्शन। ये कैसे होंगे, ये इन्हीं दोनों से रिलेटेड इसकी पोजीशन है। देखो फ्रंटो ऑक्सीपिटल में सारे एंगल क्रेनियल देते हैं, लेकिन अगर हम 30 डिग्री कोडल एंगुलेशन दे फ्रंटो ऑक्सीपिटल में 30 डिग्री कोडल एंगुलेशन दे तो ये क्या कहलाएगा, ये टाउन्स प्रोजेक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, टाउन्स प्रोजेक्शन कहलाएगा। ऑक्सीपिटो फ्रंटल में सारे एंगल कोडल देते हैं, लेकिन अगर हम 30 डिग्री क्रेनियल एंगुलेशन दे किसमें, ऑक्सीपिटो फ्रंटल में, तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स टाउन्स प्रोजेक्शन कहलाएगा। ये रिवर्स टाउन्स प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो ऑक्सीपिटो फ्रंटल, फ्रंटो ऑक्सीपिटल, टाउन्स प्रोजेक्शन एंड रिवर्स टाउन्स प्रोजेक्शन। चलो तो अब हम चलते हैं टाउन्स प्रोजेक्शन के ऊपर। तो टाउन्स प्रोजेक्शन में सबसे पहले है पोजिशन ऑफ पेशेंट। इसमें पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन लेटाया जाता है और सुपाइन इस तरह से लेटाया जाता है कि इसे हम इरेक्ट पोजीशन में कर सकते हैं और सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो इस पेशेंट को इस तरह से लेटाया जाता है कि उसका मीडियन सजाइटल प्लेन कैसेट के परपेंडिकुलर हो और मीडियन सजाइटल प्लेन कैसेट के मिड लाइन के कोइंसिडेंट हो, यानी एमएसपी हो वो मिड लाइन के ऊपर हो, उसके संपाति हो। इसके अलावा जो पेशेंट की ओएम लाइन है, ऑर्बिटोमिडल बेस लाइन है, वो भी कैसेट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, कैसेट या बकी या आपकी जो टेबल है इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ओएम लाइन भी इसके होनी चाहिए। तो ये पेशेंट की पोजिशन होगी। इसके बाद में है सेंट्रिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सरे बीम। इसके लिए कॉलिमेटेड वर्टिकल एक्सरे बीम काम में ली जाती है और एक्सरे बीम को 30 डिग्री कोडल एंगुलेशन दिया जाता है। एक्सरे बीम को क्या जाता है, 30 डिग्री कोडल एंगुलेशन दिया जाता है। सेंटरिंग पॉइंट इसका फ्रंटल बोन के ऊपर रखा जाता है। एक्सरे बीम को आईज के ऊपर कोलिमेटेड रखा जाता है। किस तरह से कहा जाता है, ये मान लो आपका ऑर्बिटर आई ऑर्बिटर है
तो एक्सरे फील्ड का जो जो एक्सरे फील्ड है उसका अपर बॉर्डर यहाँ पर जो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है यहां तक रखा जाता है ताकि आईज को रेडिएशन के डोज से बचाया जा सके। और इसका जो लोअर बॉर्डर है एक्सरे बीम का, इसको इस तरह से रखा जाता है कि क्रेनियम का वर्टेक्स इसके अंदर इंक्लूड हो, पोस्टीरियर पेराइटल बोन है वो कंप्लीटली इस रेडियोग्राफ के अंदर इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा जो दोनों साइड की जो स्किन मार्जिन है स्कल की वो भी इस फील्ड के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये एक्सरे बीम का जो डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम है 30 डिग्री कोडल एंगुलेशन इसके अंदर दिया जाता है जिसे हम टाउंस प्रोजेक्शन या हाफ एक्सियल प्रोजेक्शन या फ्रंटो ऑक्सीपिटल 30 डिग्री कोडल भी बोलते हैं। इसके बाद में है इसके अंदर इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके अंदर जो स्फीनोइड बोन की जो सेला टर्सिका होती है वो सेला टर्सिका हमें जो फोरामन मैग्नम है उस फोरामन मैग्नम के अंदर एकदम से क्लियर दिखाई देती है। इसके अंदर इस जो रेडियोग्राफ आपका प्रोड्यूस होगा उसके अंदर ऑक्सीपिटल बोन और पेराइटल बोन का पोस्टीरियर पार्ट और लेमनोइड सुचर एकदम से क्लियर विजुलाइज होने चाहिए। इसके अंदर हमें रोटेशन को अगर देखना है कि पेशेंट रोटेट तो नहीं है तो इसके लिए हमें सेला टर्सिका की पोजीशन को फोरामन मैग्नम में देखना होता है। अगर सेला टर्सिका की पोजीशन फोरामन मैग्नम में सेंट्रल पोजीशन पर है तो इसका मतलब पेशेंट रोटेशन नहीं होता है। इसके अलावा कुछ रेडियोलॉजिकल कंसीडरेशन होते हैं। सबसे पहले फोरामन मैग्नम के अंदर सेला टर्सिका होती है वो सेंट्रल होनी चाहिए जिससे हमें क्लियरली विजुलाइज होनी चाहिए और हम इसका रोटेशन को भी इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जाइगोमा होती है जो जाइगोमेटिक बोन होती है वो इसमें वेल डेमोन्स्ट्रेटेड होती है एकदम अच्छे से दिखाई देती है। अगर जाइगोमा में कोई फ्रैक्चर दिखता है तो वो हमें फेशियल इंजरी का इंडिकेशन होता है, फेशियल इंजरी को इंडिकेट करता है। इसके बाद है कॉमन फोल्ड एंड रेमेडीज। अगर आपका बीम एंगुलेशन अंडर एंगुलेशन है मतलब आपको जो ऑप्टिमम बीम एंगुलेशन देना चाहिए जैसे 30 डिग्री देना चाहिए था लेकिन पेशेंट अगर अपने हेड को रेज या डाउन नहीं कर सके, चिन को डाउन या रेज नहीं कर पाए उस कंडीशन के अंदर अंडर जो एंगुलेशन रह जाता है 30 डिग्री से कम तो उसमें क्या होता है उसमें फोरामन मैग्नम होता है वो क्लियरली जो डेमोस्ट्रेट नहीं होता। ये हमें पिट्रस रिज के ऊपर फोरामन मैग्नम एकदम से सही से दिखाई नहीं देता है। इस ये कब होता है जब चिन हम सही से जो पेशेंट चिन को सही से डिप्रेस ना कर पाए यानी ऑनलाइन इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर ना हो पाए, ऑनलाइन ऑर्बिटोमेट्रल बेसलाइन इमेज रिसेप्टर के क्या हो परपेंडिकुलर ना रह पाए तो ये बहुत ही नेसेसरी होता है कि ऑनलाइन इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पर हो। तो अगर ये इस तरह से रोटेट चिन्ह को डिप्रेस नहीं कर पा रहा है तो हम इस कंडीशन में हम क्या करते हैं एक्सरे बीम को ही हम एंगल दे देते हैं, एक्सरे ट्यूब को ही हम एंगल देते हैं, उसका एंगल है वो 30 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। मान लो कि 90 डिग्री नहीं हो पा रहा, ये 90 से कम है, ये मतलब ये जैसे 10 डिग्री कम है तो हम इमेज रिसेप्टर को 40 डिग्री का एंगल दे देते हैं। इसके अलावा अगर ओवर एंगुलेशन हो जाए, ओवर एंगुलेशन मतलब जो ऑन लाइन है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं पोस्टीरियर आर्च ऑफ जो एटलस बोन होता है वो हमें क्लियरली विजुलाइज फोरामन मैग्नम के अंदर वो हमें विजुलाइज होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में जब एंगुलेशन ज्यादा होगा तो जो सर्वाइकल की फर्स्ट वर्टिब्री है उसका जो जो एटलस है उसका जो पोस्टीरियर आर्च होगा वो हमें फोरामन मैग्नम के अंदर दिखाई देगा। अगर 30 डिग्री इसके अंदर क्या होता है जो जो टाउंस प्रोजेक्शन होता है इसके अंदर 30 डिग्री कोडल एंगुलेशन आवश्यक होता है, कोडल एंगुलेशन की आवश्यकता होती है। अगर ये पोजीशन पेशेंट अटेंड नहीं कर पा रहा है तो हम स्कल बोर्ड काम में लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं स्कल बोर्ड काम में लेते हैं। ये स्कल बोर्ड क्या होता है ये एक एंगुलेटेड एक जो रेस्टिंग पेड होता है
जिस पर हम पेशेंट को इस तरह से लेटा देते हैं, जिस पर पेशेंट को क्या इस तरह से क्या करते हैं लेटा देते हैं। जैसे अगर आप 30 डिग्री स्कल बोर्ड काम में ले रहे हो, क्या ले रहे हो 30 डिग्री स्कल बोर्ड काम में ले रहे हो, यानी आपने ओएम लाइन 30 डिग्री स्कल एंगुलेशन काम में लिए, जो स्कल बोर्ड काम में लिया है और इसके अंदर पेशेंट को इस तरह से लेटाया कि पेशेंट की जो ओएम लाइन है वो इस स्कल बोर्ड के क्या हो 30 डिग्री के एंगल पर हो, वो क्या हो उसके 30 डिग्री पर एंगल पर हो। इस कंडीशन में आपको एक्सरे बीम को वर्टिकल ही रखना होगा, क्योंकि जो आपका ओएम लाइन से एक्सरे बीम का एंगल है वो इससे अटेन हो जाएगा। अगर आप 15 डिग्री स्कल एंगल काम में लेते हो, क्या लेते हो 15 डिग्री स्कल एंगल काम में लेते हो, तो आपको एक्सरे बीम को ओएम से जो ऑर्बिटोमीटर बेस लाइन है इससे 15 डिग्री का एंगल ही आपको देना होगा, इससे 15 डिग्री का एंगल क्या होगा आपको देना होगा। अगर आप 20 डिग्री स्कल बोर्ड काम में लेते हो, क्या लेते हो 20 डिग्री स्कल बोर्ड काम में लेते हो, तो आपको एक्सरे बीम को सिर्फ 10 डिग्री का एंगल ही देना होगा। तो स्कल बोर्ड की सहायता से अगर पेशेंट अगर अपने चिन को डिप्रेस नहीं कर पा रहा है, सही से पोजीशन नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इस कंडीशन में जितने डिग्री का बोर्ड होगा उस बोर्ड से आपको ओम लाइन को परपेंडिकुलर रखना होगा। इसके अलावा एक मॉडिफाइड हाफ एक्सियल प्रोजेक्शन भी होता है, जिसमें क्या होता है सर 1998 में इसको डेंटल नामक साइंटिस्ट डेंटल ने बताया था इसको। इसके अंदर क्या बताया, इसके अंदर ये बताया था कि पेशेंट जिस कंडीशन में लेटा है उससे 25 डिग्री कोडल एंगुलेशन दिया जाता है, इसमें एक्सरे बीम को कोलिमेट नहीं किया जाता, सेंटरिंग पॉइंट इसके अंदर आई और इसके अंदर क्या होता है आई और जो थायराइड होती है उसके इरेडिएशन को अवॉइड किया जाता है, इनके ऊपर रेडिएशन डोज को कम रखा जाता है, इसमें सेंट्रल रे को ही ओएम प्लेन से 25 डिग्री का होता है, क्या रहता है जो एक्सरे बीम होती है उसको कोलिमेटेड नहीं करते, जो सेंट्रल बीम होती है उस सेंट्रल बीम को हम क्या करते हैं 25 डिग्री का एंगल इस तरह से देते हैं कि एक्सरे बीम का जो सुपीरियर पार्ट ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर वाला पार्ट जो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है उस पर रहे और पीछे पेराइटल बोन और सारी बोन के अंदर इंक्लूड हो। इसके अलावा पेराइटल बोन के अलावा जो लेटरल स्कल मार्जिन है वो भी हम एक्सरे के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये आपका टाउन्स प्रोजेक्शन या हाफ एक्सियल प्रोजेक्शन कंप्लीट है।